दोस्तों पिछले दिनों कोलकाता की फ्लाइट में मुझे तीनों फिल्म स्टार्स मिल गए, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती जो अभिनेता भी है। मैंने राज बब्बर से पूछा, राजी क्या बात है, कांग्रेस के अंदर बड़ी उथल पुथल चलती रहती है, अब गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए राहुल गांधी से। कमाल करते हैं, अरे इतना भी नहीं समझते। बात डिफेंस के एक फंक्शन की है, डिफेंस गेट फंक्शन में राहुल गांधी और गुलाम नबी कैफ हुए थे। वहां पर एक जनरल ने राहुल गांधी से पूछा, आप नेवी और आर्मी में क्या अंतर समझते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा, बहुत सिंपल है, नेवी वाले शराब पीने से पहले इंग्लिश बोलते हैं और आर्मी वाले शराब पीने के बाद। बस इसी बात पे गुलाम नबी आजाद फड़क गए और उन्होंने गुस्से से इतनी तालियां बजाई कि उनका मुंह और हाथ दोनों लाल हो गया। फिर मैंने शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा, शत्रु जी ये सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ा, क्या ये भी राहुल गांधी से नाराज था? खामोश। उसका बहुत ही अलग कारण है। ये जब भी सिंधिया राहुल गांधी को मिलने दिल्ली जाता था तो राहुल गांधी दरवाजा बंद करके रूम के अंदर बिठा के सिंधिया को सूर्यवंशम दिखाता था। एक एक दिन में 300 कमरे के अंदर। तभी सिंधिया ने राजा ठाकुर को छोड़ने का फैसला कर लिया, समझे चपड़गंज। अरे मिथुन दा आप बताइए, शत्रु जी तो मजाक के मूड में, आपको क्या लगता है ये सिंधिया ने क्यों छोड़ा होगा कांग्रेस? अरे बात थोड़ी पुरानी है, तब मैं सीपीएम में था, बात उस टाइम की है। एक बार ये राहुल गांधी जूता खरीदने के लिए एक दुकान में गया, हाथ में जूता लेके बोला, ये कितने का है? उसने बोला 5,000 रुपए का। राहुल ने बोला ठीक ठीक लगा लो तो मैं दोनों पैर का ले लूंगा, कोई शक। वहीं से सिंधिया ने सोचा अभी इसके साथ रहना बेकार है। अरे राजी, आज सुना है दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल भी भड़के हुए हैं राहुल पे। बात ही भड़कने वाली है, पार्टी लाइन के अगेंस्ट काम करते हैं। आज राहुल गांधी कोलकाता गए ममता बनर्जी को देखने के लिए हॉस्पिटल, और उनके प्लास्टर पे लिख दिया, आएगा तो मोदी ही, किसी को भी गुस्सा आएगा। अरे बिल्कुल परफेक्ट का, आएगा तो मोदी ही, कोई शक।